अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। एक बात जानती हो तुम, जब तुम गुस्सा करती हो ना तो बहुत ही प्यारी लगती हो। रियली? आई मीन इट। अच्छा बताओ कल का क्या प्रोग्राम है? क्यों, कल क्या है? रवि तुम भूल गए? क्या भूल गए भाई? मैं पागल दीवाना हूँ, मैं मानता हूँ, बड़ा ना समझी हूँ ये, मैं जानता हूँ। दोस्तों, 90s के दौर में 4-5 हीरोज ने फिल्मों में अपना डेब्यू किया था, जैसे सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान, और बाद में ये चारों टॉप मोस्ट हीरो बन गए। लेकिन इनसे पहले 1986 में एक न्यू कमर ने अपना डेब्यू किया था। उसने कुछ मशहूर फिल्मों में काम किया और लोगों को उसका काम बहुत पसंद आया, लेकिन उसके हालात और कुछ गलत डिसीजंस की वजह से वो फिल्मों में एक ऊंचा मकाम नहीं बना पाए जो उनके कंटेम्प्रेरीज ने किया, और वो हैं हैंडसम, स्मार्ट अविनाश वधावन। आपकी सगाई होने वाली है और आप इसे छोटी सी बात कहती हैं? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए अब ये भी बता दीजिए कि वो भाग्यवान है कौन जिसकी झोली में आप जैसा मोती गिरने वाला है। 2 नवंबर 1968 में पैदा हुए थे अविनाश दिल्ली में एक पंजाबी फैमिली में, और अविनाश का असली और पूरा नाम है राकेश वधावन। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। उनके माता पिता चाहते थे कि वो एक इंजीनियर बने और दिल्ली में एक जॉब करे, लेकिन अविनाश ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और कहा कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ और वहाँ मैं MBA करना चाहता हूँ, और ऐसा ही उन्होंने किया। मुंबई आ गए और जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ज्वाइन कर लिया और एक हॉस्टल में रहने लगे। मुंबई में उनके नए दोस्त बने और उन्होंने अविनाश से कहा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तुम तो हीरो लगते हो, वाई डोंट यू स्टार्ट मॉडलिंग, और मॉडलिंग में पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। बस अविनाश को उनका मशवरा जम गया और उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी, और देखते देखते कई एड्स किए और एक मशहूर मॉडल बन गए। उसी दौरान उन्हें एक फिल्म की ऑफर आई एज मेन लीड। फिल्म ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन एज हॉबी अविनाश ने उसको एक्सेप्ट कर ली। फिल्म का नाम था प्यार हो गया, जो आई थी 1986 में, और फिल्म के टाइटल कार्ड में उनका ओरिजिनल नाम था नॉट अविनाश वधावन बट राकेश वधावन। नमस्कार, नमस्कार। क्या बात है? ओह, आप? जी हम। सोचता हूँ ये कैसा इत्तेफाक है कि आपके ना चाहने पर भी हम बार बार मिलते हैं। दोस्तों, 1990 में एक फिल्म प्लान हो रही थी, आवाज दे कहाँ है, और उस फिल्म के डायरेक्टर थे सिप्ते हसन रिज़वी, और उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी, और उन्होंने अविनाश की पहली फिल्म देखी थी प्यार हो गया। वो उनसे बहुत इम्प्रेस थे और उन्होंने अविनाश को साइन कर लिया इस फिल्म के लिए। इस फिल्म में म्यूजिक था मौसीकार आजम नौशाद अली साहब का, और जब सिप्ते हसन रिज़वी ने अविनाश को नौशाद साहब से मिलवाया तो नौशाद साहब भी बहुत इंप्रेस हुए अविनाश से, लेकिन उन्होंने अविनाश को एक मशवरा दिया कि बरखुरदार राकेश नाम बहुत कॉमन नाम है और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ राकेश नाम के लोग और भी हैं, तुम अपना नाम चेंज कर लो, राकेश हटा के उसे अविनाश कर दो, और ऐसे ही राकेश वधावन हो गए अविनाश वधावन। और इस फिल्म में हीरोइन थी उनके ऑपोजिट शिखा स्वरूप, जो उस दौर की मिस इंडिया थी। ये तुम्हारा राजा नहीं, ये मैं हूं, बहुत संभाल कर रखना इसे, हाथ से छूट गया ना तो टूट जाएगा। भले भले से कुछ मत वाले से नैन तेरे झुके झुके, हाल तो मेरा जान गए, अपनी बात
यह फिल्म अफसोस कामयाब नहीं रही, लेकिन अविनाश को फायदा जरूर हुआ। 1991 में उन्होंने एक और फिल्म साइन कर ली। फिल्म का नाम था आई मिलन की रात और इसके प्रोड्यूसर थे श्री गुलशन कुमार जी, और इस फिल्म में उनके साथ हीरोइन थी सायरा बानो की नीस शाहीन। क्यों बाजी थी चूड़िया? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, सच कसम से। देखिए ना, आप खुद ही मेरी मोहब्बत का सबूत बनकर मुझसे मिलने यहाँ चली आई। आई मिलन की रात में अविनाश का काम लोगों को बहुत पसंद आया और उसके बाद उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर ली बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ, और वो फिल्में थी मीरा का मोहन, पुलिस और मुजरिम, बलमा, गीत और जुनून। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि भगवान आज मुझ पर इतने मेहरबान हो जाएंगे कि जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था नेहा जी, वो आज सच हो जाएगा। और नेहा जी आपको नेहा जी नहीं, सिर्फ नेहा। दोस्तों, जब अविनाश मॉडलिंग करते थे तो उनकी मुलाकात एक खूबसूरत मॉडल से हुई। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, दोनों में प्यार हुआ, दोस्ती हुई और दोनों ने 1990 में शादी कर ली। उनकी बीवी का नाम है छाया, और छाया एक मॉडल होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी पेंटर भी हैं। उनका एक बेटा है, बेटे का नाम है समय। लेकिन अफसोस, शादी के कुछ सालों बाद दोनों में अनबन होने लगी। पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होने की वजह से अविनाश अपने करियर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए, उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ दी और इसका फायदा हुआ उनके कंटेम्प्रेरीज को, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सैफ अली खान और अजय देवगन को। अविनाश अपनी पर्सनल लाइफ में उलझे रहे और उनके कंटेम्प्रेरीज उनसे बहुत आगे निकल गए। अविनाश को अब ये एहसास होने लगा कि उन्हें हिंदी फिल्म्स में मेन लीड के रोल्स नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने रीजनल फिल्म्स करनी शुरू कर दी, जैसे गुजराती, भोजपुरी और पंजाबी। दोस्तों, सन 2000 में छाया और अविनाश का डिवोर्स हो गया और 2003 में अविनाश ने दूसरी शादी कर ली। उनकी बीवी का नाम है नताशा और उनका एक बेटा है और बेटे का नाम है सम्राट। दोस्तों, अविनाश ने अपने पर्सनल लाइफ की एक नई शुरुआत की थी 2003 में, तो उन्होंने सोचा कि अब करियर में भी नई शुरुआत की जाए, इसलिए उन्होंने अपना रुख टेलीविजन की तरफ कर लिया और कई बड़े बड़े सीरियल्स किए, जैसे विदाई, डोली अरमानों की और बालिका वधु। दोस्तों, अविनाश को सीरियल्स में बहुत कामयाबी मिली, वो आज भी सीरियल्स कर रहे हैं, वेब सीरीज भी कर रहे हैं, और 2020 में आपने जरूर देखी होगी उनकी वेब सीरीज स्टेट ऑफ सीज 2611, जिसमें उन्होंने पुलिस कमिश्नर का रोल किया था। लेकिन फिर भी वो अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं है। वो कहते हैं, मुझे एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि अपने पर्सनल लाइफ की वजह से मैंने अपने करियर को अटेंशन नहीं दी, इसकी वजह से मैं टॉप का हीरो नहीं बन पाया, वरना आज मैं भी लीड रोल्स कर रहा होता, मेरा भी एक प्रोडक्शन हाउस होता मेरे कंटेम्प्रेरीज की तरह, और मैं भी लाइफ में सेटल्ड होता। दोस्तों, इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, खता लम्हे ने की, खता लम्हे ने की, सजा सदियों ने पाई। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।